हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल. दिस साइड पूजा शर्मा. इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट अ पोएम विच इज़ इन बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट सिलेबस ऑफ एमडीएस यूनिवर्सिटी एंड द पोएम नेम इज़ यूलिसिस विच इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. टेनिसन वॉज अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट लॉरियट. हिज लाइफ स्पैन इज 1809 to 1892. यूलिसिस इज अ ग्रीक कैरेक्टर इन होमर्स इलियाड. होमर वॉज अ ग्रेट ग्रीक पोएट. So this poem Ulysses is in blank verse and written in 1833 and published in 1842. It is also example of dramatic monologue, and as you all know that dramatic monologue master is Robert Browning, but this poem is also example of dramatic monologue. So let's start the poem. सो मैंने अभी पूरा कंप्लीट बता दिया कि जो यूलिसिस पोएम है वो रॉबर्ट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, जिनका लाइफ स्पैन 1809 to 1892 है. टेनिसन जो है वो एक विक्टोरियन एज के मेजर पोएट हैं और ये पोएट लॉरिएट भी रहे हुए हैं. और ये जो पोएम है यूलिसिस, ये जो है लिखी गई थी 1833 में और पब्लिश हुई है 1842 में. ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल भी बोला जाता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसके मास्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना जाता है, जिनकी हम पोएम ऑलरेडी दो पढ़ चुके हैं, द लास्ट राइड टुगेदर एंड माई लास्ट डचेस. और ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है. यूलिसिस जो है वो एक ग्रीक कैरेक्टर है. होमर एक ग्रीक पोएट था, ओल्ड पोएट. उन्होंने अपनी बुक लिखी थी इलियाड, उसमें ओडिसी, वैसे तो इसका जो ग्रीक में नाम है यूलिसिस का वो ओडिसियस नाम है, बट इंग्लिश में और लेटिन में हम इसको यूलिसिस कहते हैं. तो पूरी जो हमारा पोएम है वो किस पे बेस्ड है? यूलिसिस पे. यूलिसिस की लाइफ पे बेस्ड है. यूलिसिस जो है वो एक हीरो था ट्रोजन वॉर का. ट्रोजन वॉर हुआ था, एक वॉर युद्ध का नाम है ट्रोजन. ट्रोजन वॉर का ये एक हीरो है. वो वॉर एक लड़की के लिए हुआ था, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, उसका हीरो है ये. अब ये जो हीरो है ये अपनी पूरी लड़ाई से लड़ के थक कर ये एज में बूढ़ा हो गया है, अपने घर आया है वापस इथाका. इथाका इसकी जहाँ ये जगह है, जहाँ का ये राजा है, वहाँ आया है. और वहाँ आने के बाद इसको अच्छा नहीं लग रहा है. इसकी जो रेस्टलेस सोल है, रेस्टलेस हो गया है ये बिल्कुल, क्योंकि ये इतने दिन इसने एडवेंचर किया है, ये युद्ध पे रहा है, ये इसने अलग अलग जगह देखी है. तो अब ये घर आने के बाद अपने आप को बोर फील कर रहा है. तो उस पर ये पूरी पोएम हमारी लिखी गई है. अब हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं. देखो, जो हमारा यूलिसिस है वो राजा है एक. अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ताकि तुम्हें पोएम समझ में आ जाए. ये राजा है, ये अपने ट्रोजन वॉर से लड़कर अभी आया है इथाका. इसकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है और अब इसको पता है कि मेरे को वापस जाना नहीं है वॉर में. तो अब इसकी जो सोल है वो बिल्कुल रेस्टलेस है. अब ये बिल्कुल इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है. इसको ये सब चीज़ें, राजा बनना, अपनी प्रजा को देखना, फिर प्रजा की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें इसको बहुत अजीब लग रही है. तो इसकी जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं एज अ किंग, वो उसने पूरी अपने पोएम में बताया है. देखो क्या है. इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग. बहुत कम प्रॉफिट है एक खाली राजा बैठने में, क्योंकि राजा है, इसको लग रहा है मैं राजा हूँ तो अब मेरे को तो खाली बैठना है. अब इस बेचारे ने वॉर पे इतने एडवेंचर्स किए हुए हैं, इतने लोगों से ये लड़ा है, तो जो इंसान एनी टाइम बिजी रहता है उसको तो ये सब चीज़ें बहुत खाली बैठना बेकार लगता है. तो इसके साथ सेम यही हो रहा है. एज अ किंग ये अपने आप को आइडल मान रहा है, एकदम खाली मान रहा है, बेकार मान रहा है. तो ये कह रहा है इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग. बहुत कम प्रॉफिट है एक खाली राजा बनने में, राजा बैठने में. बाय दिस स्टिल हार्ट एमंग दीज बैरन क्रेज. मैं एकदम बैरन क्रेज टेग में हूँ, बैरन बैठा हूँ. जैसे बंजर जमीन नहीं होती है वैसे मैं अपनी जगह पे हूँ. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डॉल अनइक्वल लोज अनटू अ सेविज ड्रेस. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ. एज्ड वाइफ, मैंने बताया है कि ये अपने घर आया है इथाका. कहाँ से? ट्रोजन वॉर से. क्यों आया है? क्योंकि अब इसकी जो लाइफ थी, जो एज थी लड़ने वाली, वो अब एंड हो चुकी है. ये बूढ़ा हो चुका है तब ये अपने घर वापस लौट कर आया है और तब इसने अपना राजपाट संभाला है. और अब इसकी जो वाइफ है ऑब्वियस वो भी बूढ़ी हो गई है. तो ये कह रहा है इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग. बहुत कम प्रॉफिट है आइडल किंग बनने में, बेकार का किंग बनने में. इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं बेकार का किंग बनने में कोई मतलब नहीं है. बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दीज बैरन क्रेग्स. ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बंजर हूँ, बंजर बैठा हूँ. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ,
और मैं अपनी एज्ड वाइफ के पास बैठा हूँ, आग जल रही है और मैं एक एज्ड वाइफ मतलब मेरी वाइफ के पास में बैठा हुआ हूँ। आई मेट एंड डॉल अनइक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस, और मैं एज अ किंग अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ, कानून बना रहा हूँ, जिसका मुझे भी शायद नॉलेज नहीं है और जिसके लिए मैं बना रहा हूँ ये कानून, उनको भी इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है या उस चीज़ का वो बिल्कुल भी मेरे पे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मैं एक आइडल किंग हूँ, एक बेकार राजा हूँ जिसकी वाइफ पास में बैठी है, वो भी एज्ड हो चुकी है। मैं खुद को बिल्कुल खाली फील कर रहा हूँ, बिल्कुल बैरन फील कर रहा हूँ और अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ जिसका मुझे शायद नॉलेज नहीं है, अन टू ए सेवेज रेस, है ना, इन इन मेरी प्रजा के लिए अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ। दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, और जो ये प्रजा है वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, धन इकट्ठा कर रही है, स्लीप सो रही है आराम से, एंड फीड खा भी रही है, एंड नो नॉट मी, और मुझे कोई नहीं जानता। तो ये इसने एक पैथेटिक कंडीशन बताई है एक किंग की, और वो भी उस किंग की जो बेचारा इतने दिनों से एडवेंचर कर रहा है और सडन वो उसने अपना राजपाट संभाला है, अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसको बहुत बोरियत फील करवा रही है। तो वो कह रहा है कि एक आइडियल राजा बनने में कोई प्रॉफिट नहीं है, खुद को बैरन जैसा फील करो, अपनी एज्ड वाइफ के साथ बैठो, है ना, और घर का जैसे ध्यान रखो, चूल्हे के पास बैठो, और दूसरा अनइक्वल लॉज बनाओ जिन लॉज का मुझे भी नॉलेज नहीं है, इसीलिए अनइक्वल है, मुझे भी पता नहीं, मैं इतने टाइम बाद राजा बनाऊँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं क्या लॉज चलने चाहिए इन पे, क्या नहीं चलने चाहिए, तो मैं अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ, और मैं जिसके लिए लॉज बना भी रहा हूँ उन वो भी मुझे क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, वो अपना आराम से धन इकट्ठा कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बट मुझे कोई नहीं जानता, है ना, एंड नो नॉट मी, मुझे कोई नहीं जानता। ये फर्स्ट स्टैंजा था। देन बात कर रहे हैं, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, मैं कभी भी नहीं रुकना चाहता हूँ ट्रैवल से। मैंने बताया था ये ट्रोजन वॉर से अभी अभी आए, इन्होंने बहुत एडवेंचर्स किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ एंजॉय किया है, खूब वॉर लड़े हैं, खूब घूमे हैं ये, तो अब ये बोलना चाह रहे हैं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं कभी भी ट्रैवल से रेस्ट नहीं करना चाहता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं अपनी लाइफ को आखिरी बूंद तक जीना चाहता हूँ, आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ, इन द सेंस कि मैं ये जो मेरी एडवेंचर्स लाइफ थी उसको मैं एकदम एंड ऑफ द लाइफ तक इन्जॉय करना चाहता हूँ, मुझे ये बोरियत वाली लाइफ नहीं चाहिए, इट मीन्स मुझे एज अ किंग बन के नहीं रहना। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने हमेशा इन्जॉय किया है, ऑल द टाइम आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, मैंने ग्रेटली हर टाइम एन्जॉय किया है, हैव सफर्ड ग्रेटली, हमेशा ग्रेटली सफ़र किया है, बोथ विद दोज, उन सब के साथ, दैट लव्ड मी, जो मेरे से प्यार करते हैं, एंड अलोन, उन खुद अकेले भी किया है मैंने अपना सफ़र, अपना ट्रेवल एन्जॉय, और उन लोगों के साथ भी किया है जो मुझे प्यार करते हैं, मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी लाइफ को एन्जॉय किया है और मैंने अकेले भी अपनी लाइफ को एन्जॉय किया, बट मैं अपनी ट्रेवल से कभी नहीं रुका, मैंने कुछ कुछ करते रहा हूँ मैं। देन बात कर रहा है, ऑन शोर एंड वैन ड्रॉन सक्सीडिंग ड्रीव्स ऑफ रेनी हेड्स वेट्स एंड डीम सी आई एम, हाँ, मैंने अकेले भी अपना ट्रेवल एन्जॉय किया है, फ्रेंड के साथ भी किया है, मैंने शोर पे भी किया है, मीन्स ऑन द सी शोर, मैंने किनारे पे भी अपने ट्रेवल को एन्जॉय किया है और मैंने रेनी डेज में भी अपने ट्रेवल को एन्जॉय किया है, बारिश आ रही हो, है ना, समुद्र में बारिश का पानी हो, उस टाइम में भी मैंने अपने पूरी बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज भी बताई है, मैंने उस टाइम भी अपने ट्रैवल को एंजॉय किया है, वो चाहे मेरे फ्रेंड्स के साथ किया हो, चाहे अकेले किया हो, बट किया है, मैं कभी भी ट्रैवल से नहीं रुका हूँ, ठीक है। देन बात कर रहे हैं, थ्रू सक्सीडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स वेस्ट द डिम सी, मैंने डिम सी में भी किया है, मैंने रेनी सीजन में भी अपने सफ़र को एंजॉय किया है, बट मैंने एंजॉय किया है। देन बात कर रहे हैं, आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, और मैंने अपना नाम भी इसी चीज़ में बनाया है जो कि एक हंग्री हार्ट ऑलवेज रोमिंग, कि एक हंग्री हार्ट, एक भूखा हार्ट, एक भूखा दिल हमेशा घूमने के लिए हो, तो मैंने अपना नाम भी इसी चीज़ में बनाया है, मतलब मुझे इसीलिए जाना जाता है, मुझे शायद यूलिसिस नाम भी इसीलिए मिला है मेरे एडवेंचर्स के कारण, मेरे ट्रैवल के कारण। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, है ना, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ एक हंग्री हार्ट के साथ और इसीलिए शायद मेरा नाम बना है। मच हैव आई सी अनोन,
मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ मैं जानता हूँ. मच हैव आई सीन एंड नॉन, मैंने बहुत कुछ देख रखा है अपने ट्रेवल के ड्यूरेशन में, अपने एडवेंचर्स के ड्यूरेशन में, और मैं बहुत कुछ जानता हूँ. अब वो बता रहा है क्या क्या. सिटीज ऑफ मैन, मैंने बहुत सारे सिटीज़ के आदमियों को देखा है. एंड मैनर्स, उनके मैनर्स को भी देखा है. क्लाइमेट्स, वहाँ की ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी भी देखी है, वहाँ का क्लाइमेट भी देखा है, वहाँ का काउंसिल्स भी देखे हैं, गवर्नमेंट भी देखी है. मैंने ये भी देखा है कि वो लोग कैसे गवर्न करते हैं, मतलब ये अलग अलग जगह गया, अलग अलग लोगों से मिला, तो ये कह रहा है मैं बहुत कुछ जानता हूँ अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में. मैंने वहाँ की ज्योग्राफी देखी है, मैंने वहाँ का क्लाइमेट देखा है, मैंने वहाँ का एटमॉस्फियर देखा है, मैंने वहाँ की गवर्नमेंट देखी है कि वो लोग कैसे रूल करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं, काउंसिल्स देखी है. माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर देम ऑल, और मैं जहाँ भी गया माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मुझे कम सम्मान नहीं मिला है, उन्होंने मुझे बहुत ऑनर दिया, बहुत सम्मान दिया, है ना. बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, उन सब ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत ऑनर दिया. एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पीर्स, और तो और ड्रंक डिलाइट, मैंने खुशी भी पी है, खुशी भी पी इन द सेंस मैंने उनके साथ भी एंजॉय किया. ऑफ बैटल विद माई पीयर्स, मैंने बैटल को भी, मैंने वॉर को भी एंजॉय किया है मेरे पीयर्स के साथ, मीन मेरे साथियों के साथ, मेरे पीयर्स, मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने डिलाइट एंजॉय किया है. किसको? बैटल को भी. ठीक है, देन बात कर रहा है फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय. मैंने ट्रॉय में भी, मैंने बताया था कि ट्रोजन वॉर से लड़के इथाका आया है, तो ये जो ट्रॉय का है उसके बारे में बता रहा है, ट्रॉय वॉर के बारे में. फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, जो ट्रॉय का, जो ट्रॉय फील्ड था, जो वॉर फील्ड था, वहाँ भी मैंने खूब एंजॉय किया. विंडी रिंगिंग प्लेन, जहाँ पे खूब हवाएं चल रही थी, और जो ट्रॉय का, जो जहाँ लड़ने वाले थे हम युद्ध, वहाँ का जो प्लेन था, वहाँ भी मैंने खूब एंजॉय किया. आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, और मुझे लगता है कि मैं शायद इन्हीं चीज़ों का पार्ट हूँ, जिन चीज़ों से मैं मिला हूँ, या मैं शायद इसी इन चीज़ों के लिए ही बना हूँ. आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट, मैं उन्हीं सब चीज़ों का पार्ट हूँ दैट आई हैव मेट, जिनसे मैं मिला हूँ. ठीक है, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि शायद मैं किंग बनने के लिए बना ही नहीं हूँ. मैंने जो अपने एडवेंचर्स किए हैं, मैंने ट्रेवल्स किए हैं, जो मैंने हर चीज़ इन्जॉय की है मेरे पीयर्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैंने जो वॉर इन्जॉय किया है, उन सब चीज़ों के लिए मैं बना हूँ, और मैं कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का पार्ट हूँ. देन बात कर रहा है येट ऑल एक्सपीरियंसिस इनर इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स. देखो अब ये भी कह रहा है येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च, कह रहा है बट अभी भी मेरे जो एक्सपीरियंस है वो एक आर्च में बने हुए हैं. आर्च आप सब समझते हो आधा गोला, तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी भी मेरे एक्सपीरियंस जस्ट लाइक इज एन आर्च है, मतलब एक आर्च के जैसे बने हुए हैं. वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ देखने को बाकी रह गया. अनट्रेवल्ड मतलब ऐसी जगह जिन पे मैंने ट्रैवल नहीं किया है या मैं नहीं जा पाया हूँ, ऐसा बहुत कुछ अभी बाकी रह गया है. मतलब अभी तो मैं आर्च ही बनाऊँ, पूरा गोला तो बना ही नहीं हूँ, आधा गोला बनाऊँ, मतलब आधा एक्सपीरियंस ही मुझे हो पाया है, पूरा एक्सपीरियंस मुझे नहीं हो पाया है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ नॉलेज लेना बाकी है. ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर वैन आई मूव, कह रहा है कि मैं बस घूमना चाहता हूँ हमेशा आखिरी टाइम तक. Forever and forever when I move, बस मैं चलता रहूँ. Keep walking, कभी भी move नहीं, मतलब कभी भी रुकूँ नहीं, बस move करता रहूँ. Keep moving, keep walking, forever and forever when I move. How dull it is to pose, to make an end. वो कह रहा है अगर मैं खुद को रोक दूँ इन सब चीज़ों से तो कितना dull होगा, कितना मतलब ऐसे बोरियत फील होगी. वो अभी फील कर ही रहा है तभी वो बोल रहा है हाउ डल इट इज़ टू पोज, मतलब इस चीज़ को मैं पोज कैसे करूँ, मैं कैसे रोकूँ अपनी फीलिंग्स को, कैसे इमोशंस को रोकूँ, कैसे मैं एडवेंचरस बनने से खुद को रोक पाऊँ, कैसे ट्रैवल करने से रोक पाऊँ. हाउ डल इट इज़ टू पोज टू मेक एन एंड, मैं कैसे ये समझ लूँ कि अब एंड आ गया है, मेक एन एंड, मैं इसको आखिरी कैसे मान लूँ कि नहीं बस अब मुझे ये सब नहीं करना है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, ये मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मेरा जो मन है वो यहाँ है ही नहीं. मैं अपने जो ट्रैवल है उसको मिस कर रहा हूँ, उसको एंजॉय करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी एडवेंचरस लाइफ पे वापस जाना चाह रहा हूँ.
How dull it is to pose, to make an end, to rust, unburnish, not to shine it use. और अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा एंड आ गया और मुझे रुक जाना चाहिए, तो मैं कैसा बन जाऊँगा? टू रस्ट अनबर्निश्ड, एक रस्ट, एक जंग लगी हुई तलवार की तरह बन जाऊँगा जिसका कोई भी यूज़ नहीं रहता. टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज़, वो तलवार जो कभी शाइन नहीं करेगी, जो कभी भी उसका यूज़ नहीं रहेगा. मैं एक रस्टी स्वॉर्ड की तरह बन जाऊँगा, एक जंग लगी हुई तलवार की तरह बन जाऊंगा जिसका कोई यूज़ नहीं होता, जो कभी चमचमाती नहीं है. अगर मैंने ये मान लिया कि मेरा एंड अब आ गया है, मुझे अब एडवेंचर्स पे नहीं जाना चाहिए, मुझे ट्रेवल नहीं करना चाहिए, अगर मैंने ये मान लिया तो देन बात कर रहा एज दो टू ब्रीद वर लाइफ. क्या ये लाइफ है? ऐसी कोई लाइफ है अगर मैं ये मान लूँ एज दो टू ब्रीद वर लाइफ, मतलब मैं ये इस ऐसी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ऐसी लाइफ में मैं सांस नहीं ले सकता. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, मुझे अगर लाइफ के ऊपर भी कोई लाइफ मिल जाए ना तो भी वर ऑल टू लिटिल, तो भी वो मेरे लिए बहुत कम पड़ेगी. ये कह रहा है कि अगर मुझे एक लाइफ के ऊपर भी कोई लाइफ मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत कम लाइफ पड़ेगी वो, क्योंकि मेरा जो ट्रैवल है, मैं इतना एडवेंचर्स और इतना ट्रैवल पे जाना चाहता हूँ कि मेरे को वो लाइफ भी छोटी लगेगी. वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेंस, और अब ऐसा लग रहा है लिटिल रिमेंस कि मेरी ऑलरेडी लाइफ जो है बहुत लिटिल रिमेंस, बहुत कम बची है, थोड़ी सी बची है. ऑब्वियसली मैंने बताया है कि ये बेचारा बूढ़ा हो गया है, तभी अपने इथाका में आया है ट्रोजन वॉर से, अपनी एज्ड वाइफ, जो उसने एज्ड मेंशन किया है, तो अपनी एज्ड वाइफ के साथ है, इट मींस ये खुद भी एज्ड है, ये खुद भी बूढ़ा है. तो ये कह रहा है कि मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जो लाइफ है बहुत कम बची है. ठीक है, अगर मुझे लाइफ के ऊपर भी कोई लाइफ मिल जाए तो भी वो मेरे लिए शायद कम रहे, और अब तो मेरी ऑलरेडी लाइफ बहुत कम बची है. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी little remains, but every hours is saved from that eternal silence. But जो भी मैंने every hour, जो भी हर एक घंटा मैंने is saved from the eternal silence, मृत्यु से मैंने खुद को बचाया है हर घंटे. इंसान जब इतना adventures करता है, इतना adventurous होता है, या फिर इतने travel पे जाता है, इतने war लड़ता है और फिर भी वो जिंदा है, it means उसने खुद को कितनी बार बचाया है, है ना, ये सब enjoy करने के लिए खुद को कितनी बार लोगों से बचाए. तो ये कह रहा है जो भी मैंने ये लाइफ सेव करके रखी थी ना, हर एक घंटा खुद को बचा बचा के, इटर्नल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस का मतलब है डेथ से मैंने खुद को बचाया है. तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर बट एवरी आर इज सेव फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स. तो मैंने खुद को, खुद की लाइफ को वेस्ट करने के लिए नहीं बचाया, अगर मैंने हर एक घंटा खुद की लाइफ को बचाया है इटर्नल साइलेंस से, तो उसको वेस्ट करने के लिए नहीं बचाया. समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मैंने तो नई नई चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए, उनको देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए खुद की लाइफ को बचाया है. समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर, मतलब मैंने उन चीज़ों को बताया, मैंने अगर अपनी खुद की लाइफ को बचाया है तो सिर्फ इसलिए कि मैं नई नई चीज़ें जो है एंजॉय कर सकूं, न्यू थिंग्स पे जा, नई नई जगह जा सकूं, न्यू थिंग्स का एक्सपीरियंस लूं. एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, और मेरी जो मैं अब, बट मैं अब ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं खुद को होल्ड कर रहा हूं, खुद को संचय कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, मतलब मैं खुद अब एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं. एंड दिस ग्रे स्पिरिट, ग्रे स्पिरिट मतलब बूढ़ी स्पिरिट, बूढ़ी आत्मा, मतलब मैंने बताया था कि वो एज्ड है, अब बूढ़ा है, तो वो कह रहा है एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, उसकी अभी भी ये डिज़ायर है टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि अभी भी मैं उस नॉलेज को एक सिंकिंग स्टार की तरह फॉलो करूँ, मतलब अभी भी मैं वो सब चीज़ें जो मुझे नहीं पता है वो सब चीज़ें पता कर लूँ, मतलब ये एक तरह से थ्रिस्ट है, इसमें प्यास है किस चीज़ की, नॉलेज गेन करने की, घूमने की, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की, और ऐसी थ्रिस्ट बहुत अच्छी भी होती है, मतलब इसने अपनी लाइफ को कितना एन्जॉय किया है इसीलिए इसको इतना बोर फील हो रहा है. सो ये कह रहा है एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट बियॉन्ड दैट, और तो और मैं इतना नॉलेज गेन करना चाहता हूँ बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ
ह्यूमन थॉट, जितना इंसान सोच भी नहीं सकता उतना मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, उतनी जगह मैं घूमना चाहता हूँ। सो ये हमने आज जो स्टेंजा पढ़े हैं, उस अभी रिमेनिंग स्टेंजा हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, बट आज जो स्टेंजास पढ़े वो बहुत ब्यूटीफुल स्टेंजा थे। इवन ये पोएम ही बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें बहुत अच्छे से यूलिसिस ने अपनी लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत यू नो ट्रैवल पे जाना, कितना इसने एंजॉय किया अपनी लाइफ को, कितना कुछ इसने सीखा है, नॉलेज गेन किया है, और अभी भी इसे थ्रस्ट है, अभी भी प्यास है इसे किस चीज़ की, नॉलेज गेन करने की। इवन ये तो बोल रहा है कि जितना इंसान सोच भी नहीं सकता उतना नॉलेज मैं गेन करना चाहता हूँ, है ना। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंगिंग स्टार, मुझे एक सिंकिंग स्टार की तरह नॉलेज को फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छी पोएम है। सो बस यही है, हम नेक्स्ट कल की वीडियो में इसको आगे पढ़ेंगे, इस पोएम के पूरे स्टेंजास कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।